मैंगो का सीजन है तो एक रॉ मैंगो का रेसिपी तो बनता है। हियर आई एम बैक विद अनदर रॉ मैंगो रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं थाई रॉ मैंगो सैलेड। बहुत ही डिलीशियस है, एकदम से यूनिक रेसिपी है। इसमें नॉर्मल सारे मसाले नहीं आने वाले हैं एंड टेस्ट तो इसका अमेजिंग होगा ही होगा। वेलकम टू साइलीज किचन। ऐसे अमेजिंग रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, तो आपको मेरे सारे रेसिपीज मिलते रहेंगे। इंग्रेडिएंट्स को नोट करके लेना ताकि आपको ईजी जाएगा बनाते वक्त। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि हमें रॉ मैंगो यानी कैरी लेनी कैसी है। जितनी खट्टी कम हो उतना हमें ध्यान देना है। मैं यहाँ पे तोतापुरी कैरी यूज़ कर रही हूँ जिसका अमेजिंग टेस्ट रहता है एंड खटास भी बहुत कम रहता है। और उसे हमें वर्टिकली और बहुत ही थिन चॉप करके लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ कैबेज। कैबेज को भी हमें बहुत ही फाइनली चॉप करके लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेटर हो कैबेज का, उससे भी ग्रेट करके लेना, और ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये सैलेड में। एंड ये रॉ मैंगो एंड कैबेज का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा जाता है। एंड इसमें हमें टैमरिंड का पल्प लगने वाला है, तो मैंने टैमरिंड को पानी में भिगो के रखा था फॉर 5 मिनट्स। एंड उसके बाद हाथों से उसे सब मसल के लेना है एंड फिर उसे छान देना है ताकि हमें बहुत ही अच्छा इमली का पल्प मिल जाएगा। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम लेने जा रहे हैं रॉ मैंगो एंड कैबेज। दोनों सेम प्रोपोर्शन में लोगे तो और अच्छा है। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं ऑयल। 1/4 स्पून यहाँ पे मैंने ग्राउंडनट ऑयल ऐड किया है। ओरिजिनली इस रेसिपी में सेसमे सीड्स का तेल पड़ता है। अगर आपको उसका जो स्मेल है वो अच्छा लगता हो तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हो। बाद स्वादानुसार नमक हम ऐड करेंगे एंड 1/2 टीस्पून शुगर। इसमें हमें शुगर हल्की सी ज्यादा लगे। एंड अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते। एंड अब बारी है सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट की, जो है धनिया पत्ता, जो हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सीसम सीड्स है जिसे मैंने अच्छे से रोस्ट करके लिया है एंड फिर इसमें ऐड करेंगे। एंड रोस्टेड पीनट्स एक बहुत ही अच्छा नटीनेस देगा इसमें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है 1 टेबलस्पून इमली का पल्प जो हमने बना के लिया था। एंड हल्का सा कलर आने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो इसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर मुझे वो हल्का सा कलर टिंच चाहिए था। एंड इन सबको हम अच्छे से टॉस करके लेंगे एंड इसे हमें मैरिनेट करना है 5 to 10 मिनट्स। एंड उसी के बाद हम इसे सर्व करेंगे ताकि ये जो जितने भी फ्लेवर्स है वो रॉ मैंगो एंड कैबेज अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। ये बन गया हमारा थाई रॉ मैंगो सैलेड रेडी। प्लीज इसे पक्का से ट्राई करना, ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग। ये डिश लंच में आप एक साइडर डिश करके भी सर्व कर सकते हो या फिर इसे ऐसे ही कच्चा खा सकते हो। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंड माई डियर यूट्यूब फैमिली, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेयर मास्क, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय, सी यू।